जा रहे थे तब बहुत बोर तो हुए ही थे अपने आप से, तो वो ड्राइवर को ऐसे ही अपने मन की बात कहते हुए बोले कि मैं इतना तंग आ गया हूँ कि हर जगह जाओ वही 45 मिनट की लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड लगाओ, लोगों को ध्यान में तो आता नहीं, चेहरे तो कोरे कोरे रहते हैं और मेरा अपना प्रयास बेकार जाता है, तो मैं तो तंग आ गया हूँ कि कभी पूर्ण विराम मिलेगा ये भाषण यात्रा को। तो ड्राइवर ने कहा कि महोदय अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं बताऊं आपको। तो बोले बताओ क्या। तो बोले मुझे भी तो सुनने पड़े 125 भाषण, तो आपका तो ठीक है आप तो डिलीवर करते गए मगर मुझे तो सुनना पड़ा, आई वॉज एट द रिसीविंग एंड। तो बोले मैं अभी आपका पूरा भाषण लाइन बर हुकुम एकदम बोल सकता हूँ, आप मेरी परीक्षा लीजिए, मैं आपका वैसा का वैसा भाषण विदाउट सिंगल मिस्टेक कर दूंगा। और वैसे भी उस समय कोई फेसबुक का जमाना नहीं था, तो उसने कहा कि आज ऐसा करो आप आराम करो, मैं आइंस्टाइन के रूप में वहां जाता हूँ, कौन पहचानता है, कोई चित्र भी आया नहीं था। तो थोड़ा सा सोचकर आइंस्टाइन ने कहा कि देखते हैं इसकी थोड़ी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने सीट्स एक्सचेंज की, ड्राइवर की सीट पर आइंस्टाइन बैठे, ये पीछे बैठे बड़े आराम से। कार्यक्रम के स्थल पर आए और बड़े इत्मीनान से उनका स्वागत किया गया, उतर गए और मंच पर चढ़े, परिचय वगैरह हो गया और एकदम तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक द ड्राइवर ऑफ आइंस्टाइन डिलीवर्ड ए वंडरफुल स्पीच 45 मिनट्स नो मिस्टेक एट ऑल। एंड देन ही अगेन टुक हिज प्लेस ऑन द डायस, देयर वाज ए राउंड ऑफ अप्लॉज, सब लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, क्या बढ़िया क्या बढ़िया। तो जो सूत्र संचालन करता थे वो ऐसे आ गए और उन्होंने कहा कि व्हाट ए वंडरफुल स्पीच, नाउ इट इज द टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइंस्टाइन ऐसे सामने बैठे थे, तो आइंस्टाइन को लगा कि देखते हैं बच्चम जी अभी कैसे जवाब देते हैं। तो पहला सवाल किसी ने पूछा तो फिर वो आइंस्टाइन का ड्राइवर बगैर हिचकिचाहट ऐसे ही आया और उसने कहा इतना आसान सवाल है मैं क्यों जवाब दूं, मेरा ड्राइवर जवाब देगा। ऐसा करके उन्होंने आइंस्टाइन को खड़ा कर। तो कहानी का तात्पर्य क्या है कि भाषण करना बड़ा आसान होता है, सुनना बहुत कठिन होता है।